वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YCS सुल्तानपुर. माई सेल्फ रोमिल सिंह फ्रॉम यस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल. टुडे हिंदी सब्जेक्ट, आज आपका हिंदी सब्जेक्ट है जिसमें हमने पढ़ा था टॉपिक वचन. वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन के नाम कौन कौन से हैं, ये सारा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था. उसके रूल, उसके नियम क्या क्या हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे दूसरे पार्ट में. वचन के नियम कैसे हैं, एक वचन को बहुवचन में कैसे हम बदलते हैं. तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. वचन के नियम, वचन के नियम कौन कौन से होते हैं आज हम एक्सप्लेन करेंगे. आइए देखते हैं. आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं. अगर हम किसी अपने बड़े से बात करते हैं तो उसको आदर देने के लिए हम जहाँ पे एक वचन है उसको हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं. जैसे माता जी काम कर रही हैं, माता जी काम कर रही हैं, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं. माता जी काम कर रही हैं, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं. आगे देखते हैं हम से हैं. एक वचन के स्थान पर एक वचन क्रिया तथा बहुवचन के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग. स्टूडेंट, जहां एक वचन है वहां पे जो उसकी क्रिया है वो एक वचन होगी, मतलब वो काम क्या कर रहा है वो एक वचन. अगर संज्ञा हमारा बहुवचन है तो उसकी जो क्रिया है वो भी बहुवचन होगी. जैसे एग्जाम्पल है, घोड़ा दौड़ रहा है. ये घोड़ा हमारा एक वचन है और रहा है एक वचन. इसकी क्रिया हमने क्या लगाया है, एक वचन लगाया और घोड़ा एक वचन. तो एक वचन क्रिया के साथ एक वचन और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे. जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े एक से अधिक हैं तो हमने इसकी क्रिया को क्या कर दिया, रहे हैं, इसको भी हमने बहुवचन कर दिया है. ठीक है, तो ये बहुवचन में बदल जाएगा. घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, तो इसकी क्रिया भी एक वचन है और इसकी क्रिया बहुवचन में आ जाती है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं. देखिए, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो, आ हो तो आ के स्थान पर ए, आ के स्थान पर ए कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाता है. आ के स्थान पर क्या लिख देने से वह शब्द बहुवचन हो जाता है. जैसे है, एग्जाम्पल है यहाँ पे तोता, तोता है तो तोते का बहुवचन बनाइए, तो ते, ये हो गया तोते. कमरा, कमरे का बहुवचन. अगर इस ये मात्रा जो आ की मात्रा है, आ की मात्रा को हम किस में कर देंगे, ए में कर देंगे. किस में हम करेंगे, ए में कर देंगे. तो जैसे ये हमारा कमरा है तो कमरा हमारा हो जाएगा कमरे. बच्चा, बच्चे. बकरा, बकरे. बकरा, बकरे. नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका सेकंड. जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर ए कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाता है. क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है. जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल रखा है, रात, बहन, आग और पुस्तक. अब हम इसको देखेंगे, ये हम बहुवचन में इसको कैसे बदलते हैं. चलिए सबसे पहले हम लेते हैं रात. रात, अब देखिए, हम रात एक ही मात्रा लगा दिए, ये हो गया हमारा रात, रातें. और नेक्स्ट है बहन, वहने. क्या हो गया, वहने. आंख, आंखें. पुस्तक, पुस्तकें. रात, रातें. वहन, वहने. आंख, आंखें. पुस्तक, पुस्तकें. आ को हमने किस में कन्वर्ट किया है, एक ही मात्रा में. इस यहाँ पे जो ता में आ लगा है इसको हमने क्या दे दिया है, एक ही मात्रा दे दिया है, एंग. तो ये हमारा क्या हो गया है, सारे
बहुवचन बन गए हैं। तो इसी तरह से आप और भी वर्ड लेके बना सकते हैं, ठीक है। और हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड नंबर पे, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ क्या हो, आ हो तो आ के स्थान पर ए का ए कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाता है। क्या हो जाता है वो शब्द, वो शब्द बहुवचन हो जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं इसका, चलिए बहुवचन हम बनाते हैं। वैसे मेरे बच्चे तो देखते ही समझ गए होंगे कि बहुवचन कैसे बनेगा, मुझे पता है। चलिए इसको देख लेते हैं हम, ये है कविता। कविता यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है, हमें क्या ऐड करना है, ए, हमें क्या इसके साथ ऐड कर देना है, ए। ये हमारा क्या हो गया, कविता ए। ये है माला, माला में हमें क्या ऐड करना है, माला ए, ये हमें ऐड कर देना है, माला ए। महिला, महिला यहाँ पे हम क्या ऐड कर दिए, ए, ये हमारा क्या बन गया, महिला, महिलाएं। इस तरह के वर्ड अगर आपको मिलेंगे जहाँ पे आ हो तो आ के स्थान पर ये कर दें, तो रूल आपका यही रहेगा, यही फॉर्मूला रहेगा, इसी से आपको स्त्रीलिंग को बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या बड़ी ई हो तो उनके स्थान पर ज्ञा कर देने से तथा दीर्घ स्वर को हाश कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाता है। वह शब्द क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। जैसे मैम ने यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हैं, रानी। अब रानी का बहुवचन क्या होगा यहाँ पे, रा नी न्या, क्या हो जाएगा, रानी, रानी, रानियां। यहाँ पे एक रानी है, एक वचन है, और ये रानियां। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो छोटी ही, छोटी और बड़ी ही है, इसको हमने किस में कर दिया है, इसमें ऐड, हमने छोटी ही के साथ बड़ी के साथ हमने किसको ऐड कर दिया, या को ऐड कर दिया, तो ये हमारा बन गया है बहुवचन में रानियां। नेक्स्ट आपका आ जाता है घड़ी। तो यहाँ पे घड़ी बड़ी की मात्रा है, तो इसको हमको छोटी या बड़ी की मात्रा के साथ हमें यहाँ ऐड करना है, तो ये हमारा हो जाएगा घड़ियां, क्या हो जाएगा, घड़ियां। और मक्खी का बहुवचन हम बनाएंगे, मा मक्खियां, क्या बन गया, मक्खियां। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिन शब्दों के अंत में या, जिन शब्दों के अंत में या हो तो या के ऊपर अनुनासिक, ये चंद्रबिंदी, अनुनासिक लगा देने से एक अनुनासिक लगा देने से शब्द बहुवचन हो जाता है। ये हम अनुनासिक लगा देने से शब्द क्या हो जाता है, हमारा बहुवचन में बदल जाता है। जैसे है चूहिया, चूहिया, चूहिया क्या है, चूहिया हमारा एक वचन है, अभी इसका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, चूहिया। यहाँ पे हमें अनुनासिक लगा देना है, ये चूहिया, ये चूहिया है, ये क्या हो गया, चूहिया, क्या है, चूहिया। और ये हमारा गुड़िया, यहाँ पे गुड़िया एक वचन है, इसका बहुवचन है गुड़िया, क्या है, गुड़िया। चिड़िया, चिड़िया में भी यही है, चिड़िया, चिड़िया। आई होप, मुझे लग रहा है कि अब मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो उनको अब एक वचन या बहुवचन बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो आप एक बार, दो बार, जब तक नहीं आपको समझ में आए आप देखिए,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि मेरे बच्चे अगर इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो उनको पूरा कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो जाएगा। एक वचन किसको कहते हैं, एक वचन के कितने भेद होते हैं, एक वचन के नियम कौन कौन से हैं, सारे इसमें इस वीडियो में सारा आपको बताया गया है। ठीक, तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। हमने क्या पढ़ा है आज, वचन के नियम। क्या पढ़ा है, वचन के नियम। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किसी अपने बड़े से बात करने के लिए, कोई उनको आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, तो जो एक वचन है हम उसको बहुवचन में करके बात करते हैं। जैसे माता जी काम कर रही हैं, माता जी काम कर रही हैं, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ओके, नेक्स्ट है, एक वचन के स्थान पर एक वचन क्रिया तथा बहुवचन के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग। एक वचन के स्थान पर एक वचन का क्रिया, एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा, और बहुवचन के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा घोड़ा एक वचन है, और रहा रहा भी एक वचन है, तो एक वचन के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े घोड़े बहुवचन है, एक से ज्यादा घोड़े हैं, और इसके साथ क्रिया क्या लगी है, रहें, एक वचन के साथ, सॉरी बहुवचन के साथ बहुवचन क्रिया लगी है। नेक्स्ट है आपका नंबर वन है यहाँ पे, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर ए कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाता है। वह शब्द क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। जैसे ये है तोता, ये आ की मात्रा है तोता, इस आ की मात्रा को हमें किस में करना है, ए की मात्रा करना है। जैसे तोता, तो यहां हमने क्या कर दिया, तो ते, इस आ की मात्रा को ए में हमने बदल दिया, तो ये हमारा बहुवचन में आ गया। हम कमरा कमरे, बच्चा बच्चे, वक्रा वक्रे, ये सारी जो हमारे आ की मात्रा है ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ए में कर दिया, तो ये हमारा किस में हो गया, बहुवचन में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या हो, आ हो, तो आ के स्थान पर ए कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया था, रात वाहन आग पुस्तकें, तो हमें क्या इसके साथ हमें क्या कर देना है, आ के साथ हमें ऐड करना है इसमें ए की मात्रा, रात रातें, वहने आंखें, पुस्तकें, ये सारे ये एक वचन आपके हैं और ये हमने बहुवचन इसका बना दिया है। नेक्स्ट है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई के हो तो उनके स्थान पर आ, उसके सॉरी उसके स्थान पर या, उसके स्थान पर या कर देने से तथा दीर्घ स्वर को हास कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए अब, रानी घड़ी और मक्खी। रानी मैंने इसके साथ छोटी या बड़ी के साथ मैंने क्या हमें ऐड करना है, या ऐड करना है, क्या या, इयम, रानी रानिया, घड़ी घड़िया, मक्खी मक्खियां। थर्ड नंबर पे, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर ये कर देने से वह शब्द क्या हो जाता है, वह शब्द बहुवचन हो जाता है। से कविता है, कविता के साथ हमें क्या ऐड करना है, उसके स्थान पे कविता इसके साथ और हमको जोड़ना है ए, तो हमने कविता ए जोड़ दिया तो हमारा हो गया बहुवचन। माला, माला में हमने ए को ऐड किया तो हमारा बन गया बहुवचन। महिला, महिला में ए ऐड कर दिया ए, तो ये हमारा हो गया बहुवचन, महिलाएं। नेक्स्ट और लास्ट, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो या, उसके ऊपर अनुनासिक
लगा देने से शब्द बहुवचन हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। जैसे चूहिया, चूहिया हमारा क्या है, एक वचन है, और इसके ऊपर हम अनुनासिक चंद्रबिंदी जिसे कहते हैं उसको हम लगा देते हैं तो हमारा किसमें बन गया, बहुवचन हो गया। गुड़िया, इसकी ये लगा दिया मैंने अनुनासिक, ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन। सेम है चिड़िया, चिड़िया हमारा क्या हो गया, ये चिड़िया है और यहाँ पे चिड़िया, फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं हम, चूहिया चूहिया, गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।